अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस के कुछ नहायत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो कि ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं मोस्टली, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का टेस्ट हो गया, CSS, पुलिस का, ASF का टेस्ट हो गया। इस तरह के बाकी तमाम जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें मोस्टली ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इसकी पूरी एक सीरीज़ मैंने तैयार की है जिसका पार्ट नंबर 1 मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला MCQs है, व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, विच वन इज़ नॉट अ लेयर ऑफ OSI मॉडल? इसमें अगर डिफरेंट ऑप्शंस थे तो जैसे OSI की लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर और बाकी जितनी भी सेशन लेयर, जैसे इस तरह लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं OSI की, तो उनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं था? तो वो डिवाइस लेयर, डिवाइस लेयर OSI की लेयर नहीं है, ठीक है। अगला MCQs है, इन अ कंप्यूटर, CU स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर में CU जो है उससे क्या बनता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का CPU, वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, कौन कौन से? CU और ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगला MCQs, इसके अगले जो ऑप्शंस हैं वो हैं सेंट्रल यूनिट, कैशे यूनिट या फिर कैलकुलेशन यूनिट। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, कंट्रोल यूनिट। अगला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, ठीक है। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट यूज करती है? डी रैम, डायनेमिक रैम, SRAM, स्टेटिक रैम, रोम या फिर SDRAM। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है SRAM। स्टैटिक रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट यूज़ करती है। CPU कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट? कंट्रोल यूनिट एंड ALU, CU एंड मेन मेमोरी, मेन मेमोरी एंड ALU या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेन मेमोरी। तो मैंने आपसे पहले अभी डिस्कस किया कि CU में जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक इन HTML, ठीक है। कौन सा इनमें से कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वो टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करे HTML में, ठीक है। तो हम अगर इस तरह आई लिखेंगे तो इटैलिक में होगा टेक्स्ट, या फिर पूरा इटैलिक लिखेंगे, या फिर IT लिखेंगे, या फिर प्री लिखेंगे। तो HTML में हम अगर आई लिखेंगे सिंपल, तो इसके साथ जो है वो हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये इस तरह ना डाल के, तो इसके अंदर 1 लिखेंगे, उसके बाद अपना सारा टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे डालेंगे, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, आई लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तो इसमें जो टेक्स्ट होगा वो हमारा इटैलिक हो जाएगा। देयर आर डैश टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, तो कितने टाइप्स की लो लेवल लैंग्वेजेस हैं? 2 टाइप्स की हैं, 3 की हैं, 4 टाइप्स की हैं या फिर 5 टाइप की हैं? तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। अगला MCQs है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर टू एज अ सॉफ्टवेयर जो कि क्रिएट करे टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को, तो उसको रेफर करते हैं कैसे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सूट्स में, स्प्रेडशीट्स में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करे टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, तो उसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? तो ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि फॉर्म में होती है 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। अगला MCQs है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बेस्ड हैं किसके ऊपर? सिस्टम नॉलेज के ऊपर, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस के ऊपर, VVLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और
और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड करते हैं। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, जो मोस्ट एडवांस फॉर्म है रोम की वो कौन सी है? पी रोम है, रोम है, ईईपी रोम है, या फिर कैशे मेमोरी है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है, ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। ठीक है, जो ग्राफिकल पिक्चर होती है, आइकन होता है, उसको अगर हम लाइक फाइल फोल्डर का जो होता है पिक्चर, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? टास्क बार, विंडोज आइकन्स, या फिर डेस्कटॉप? तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो एक आइकन रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर माई कंप्यूटर का एक आइकन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पिक्चर लगी होती है कंप्यूटर की, तो वो कंप्यूटर का आइकन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सर्वर को एक्सेस कर सकता है? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, या फिर वेब सर्वर? तो ऐसा जो कि एक्सेस कर सकता है सर्वर को, वो है वेब क्लाइंट। अगला एमसीक्यूज है, अ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, डीवीडी किसकी एग्जांपल है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की, हार्ड डिस्क की, या फिर ऑप्टिकल डिस्क की? तो डीवीडी जो है वो है ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, द एचआर टैग इन एचटीएमएल इज यूज फॉर, जो एचआर का टैग है एचटीएमएल में वो किस लिए यूज होता है? न्यू लाइन के लिए, वर्टिकल रूलर के लिए, न्यू पैराग्राफ के लिए, या फिर हॉरिजेंटल रूलर के लिए? तो एचआर का टैग एचटीएमएल में हॉरिजेंटल रूलर के लिए यूज होता है। अगला एमसीक्यूज है, हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यूएल टैग यूज करेंगे, ओएल, एलआई लिस्ट का, या फिर आई का? तो हम जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल का टैग यूज करेंगे। द कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स ऑफ शेयरिंग, कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो परमिट करता है हमें शेयरिंग किसकी? रिसोर्सेज की, इंफॉर्मेशन की, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमें परमिट करता है कि हम शेयर करें रिसोर्सेज को भी और इंफॉर्मेशन को भी। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे शेयर करेंगे? एक कंप्यूटर जो है, सॉरी, एक जो प्रिंटर है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ अटैच हो सकता है, और डिफरेंट, तो उसमें से सारे कंप्यूटर्स जो हैं अब बारी बारी अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो ये रिसोर्स शेयर हो गया। और इंफॉर्मेशन, जो एक कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन है वो हम दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो गूगल शीट है वो बेस्ट एग्जांपल है कि एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स एक ही गूगल शीट को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी एमसीक्यूज़ है, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, जो लोकेशन होती है रिसोर्स की वो इंटरनेट के ऊपर कौन बताता है? प्रोटोकॉल बताता है, यूआरएल उसका, ईमेल एड्रेस बताता है, या फिर आईसीक्यू? तो जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो है वो हर उसका नेटवर्क का अपना एक मखसूस होता है लोकेशन का, तो इसलिए यूआरएल जो है वो रिसोर्स को इंटरनेट के ऊपर लोकेशन उसके फाइंड करने में हेल्प करता है। डीएनएस क्वेरी फ्लडिंग कम्स अंडर द, जो डीएनएस क्वेरी है वो फ्लडिंग किसके अंदर अंडर आती है? वो आती है नेटवर्क लेयर के अंदर। अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा है जो मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है? एचटीएमएल है, नेट बीईयूएल यूआई है, या फिर टीसीपीआईपी है, या फिर आईपीएक्स एसपीएक्स है? तो हमारे पास टीसीपीआईपी जो है वो मोस्ट कॉमनली इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो इज एन, विजुअल स्टूडियो क्या है? आईडीई है। अगला एमसीक्यूज है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज, जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए वो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है,
फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड, फिजिकल और लॉजिकल जो अरेंजमेंट होती है नेटवर्क की उसे कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी कहते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, मैच टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो ये जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है ना नेटवर्क का, टोपोलॉजी उसे कहते हैं। BFS और ग्राफ टू होल्ड नोड्स, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। अगला MCQs है फीचर्स ऑफ प्योर ऊप, प्योर ऊप की कितने कितने फीचर्स हैं। ऊप किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कितने फीचर्स हैं, 7 फीचर्स हैं। अगला MCQs है एंड्रॉयड यूजेस विच OS, एंड्रॉयड जो है वो कौन सा OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, तो लिनक्स कर्नल यूज़ करता है एंड्रॉयड। नंबर ऑफ डिफॉल्ट स्प्रेडशीट्स, अगर हम स्प्रेडशीट ओपन करें तो नंबर ऑफ बाय डिफॉल्ट जो नीचे लिखी आ रही होती हैं यहाँ लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, तो वो कौन सी होती हैं, वो कितनी होती हैं, तो वो नंबर में 3 स्प्रेडशीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अगला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर PDA। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है वो है PDA। अगला हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, कौन सी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है कंप्यूटर की आउटर वर्ल्ड से, कॉम्पैक्ट IO डिवाइसेस, ड्राइवर्स या फिर स्टोरेज। तो IO डिवाइसेस जो हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो कंप्यूटर को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेयर्ड इन, जो प्रोसेसर चिप की जो स्पीड है वो मेयर होती है किस में, MBPS, एम हर्ट्स, बिट्स पर सेकेंड या फिर बाइट्स पर सेकेंड। तो जो स्पीड होती है प्रोसेसर चिप की वो मेयर की जाती है मेगा हर्ट्स में, एम हर्ट्स में। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।